अगर आपको पूरे डाइजेशन के इश्यूज हैं जैसे कि ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, तो इन हैबिट्स को फॉलो कीजिए। नंबर वन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर आप फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट आपके फूड के कॉम्पोनेंट जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर सकता है और आपके डाइजेशन को स्मूथ बना सकता है। नंबर टू इज एलिमिनेटिंग एलर्जेंस। बहुत सारे लोग जिनको डाइजेशन इश्यूज होते हैं, दे आर एलर्जिक टू सर्टेन फूड्स, डेयरी, नट्स, सोए एंड वीट। इन फूड्स को एक महीने तक अपनी डाइट में से एलिमिनेट कीजिए, देखिए आपको कैसा फील होता है। अगर आपको ठीक लगे तो धीरे धीरे इन फूड्स को रीइंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आप प्रिसाइज लेवल पे चेक करना चाहते हैं किन फूड से आप एलर्जिक है, देन यू कैन गेट अ फूड इनटॉलरेंस टेस्ट डन फ्रॉम लैब नियर बाय। एंड थर्ड इज अवॉइड ईटिंग बिग मील्स। अगर आपको डाइजेशन के इश्यूज हो रहे हैं तो बड़ी मील खाने से आपके डाइजेशन के ऊपर और स्ट्रेस पड़ेगा, इसलिए आपको छोटी छोटी मील्स खानी चाहिए जिससे आपको जो डाइजेशन है ज्यादा स्मूदर हो, आपको किसी तरह के डाइजेशन इश्यूज ना हो। एंड लास्टली, जैसे जैसे सनसेट होता है वैसे वैसे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक्टिविटी वीक होती रहती है, इसलिए 7:30 से 8 बजे तक अपना मैक्सिमम डिनर खत्म कर लीजिए ताकि जो आपकी डाइजेशन है वो ऑप्टिमल रहे।